गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 साधारणतः चक्रविधि ब्याज के क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹122 है, धन है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको आर का मान 5% दे रखा है, टी का मान 3 वर्ष दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर दे रखा है 122, आपको मूलधन का मान निकालना है। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जब 3 वर्ष के बीच चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा हो और समय 3 वर्ष का हो, तो आपको फार्मूला लगाना होता है। D3 बराबर आपका होता है P r² / 100 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाता है 300 धन r, 300 प्लस का r, और ÷100। यह आपका फार्मूला होता है सब जब समय 3 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 यानी D3 का मान आपको दे रखा है 122। यहाँ पर P का मान निकालना है तो P ही रखना है। R का मान आपको दे रखा है 5%, R का स्क्वायर है यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, 100 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे 100 × 100। अब देखिएगा 300 है, R का मान को 5 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके आपको P का मान निकालना है। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, फिर इस 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, फिर यहाँ से काट लीजिए तो 5 × 30, 5 × 5, फिर 5 × 10 = 0। अब देखिएगा 61 से भी आप 122 को काटेंगे तो 61 × 122 होता है, यानी कि P का मान आपको क्या मिल जाएगा। जो P का मान आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 × 20 × 20 × 20, तो हो जाएगा आपका 20 × 20 × 20। तो यहाँ से P का मान क्या आ जाएगा, 2 है आपका, 20 × 20 × 20, 2 × 4 × 8 होगा, और उसके बाद से 3 जीरो लगा दीजिए तो P का मान कितना हो जाएगा, 8 × 16000, यानी कि वह जो मूलधन है वह आपका 16000 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, यदि 2 वर्ष का अंतर दिया रहता तो कुछ नहीं आपका होता है फार्मूला, D3 के जगह पर D2 आ जाता है और ए वैल्यू आपकी हट जाती है, यानी 2 वर्ष के लिए जो आपका होता है वो आपका होता है D2 = PR² / 100 का स्क्वायर। तो ध्यान में रखिएगा यह 2 साल का है, 3 साल के लिए क्या करना होता है आपको 300 + 60 / 100 से इसी में मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹205 और उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज ₹200 है, मूल धन है, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, टी का मान 2 वर्ष दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान 205, साधारण ब्याज का मान 200, और आपको मूल धन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है और साधारण ब्याज भी दिया है, तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकाला तो 205 में से 200 घटाया यानी 5। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपका साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। जैसे कि मान लीजिए ₹5000 किसी को आपने 2 साल के लिए दिया, तो इस 5000 पर यदि साधारण ब्याज पहले वर्ष का
500 है तो दूसरे वर्ष का ही 500 होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष समान होता है। जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, लेकिन जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह प्रत्येक वर्ष समान नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष समान नहीं होने का कारण यह है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि समान क्यों नहीं होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 2 साल की बात की है तो पहला साल मैंने ले लिया, दूसरे साल, पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो यहां पर तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 100 ही रुपया रहेगा। अब देखिएगा टोटल 205 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसमें से पहले साल का 100 रुपया है तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा 105 रुपया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 205 दिया है, तो मैंने बताया कि पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, तो 100 रुपया रख दिया तो दूसरे साल का 105 होगा। अब देखिएगा 5 रुपया यह क्यों बढ़ रहा है, 5 रुपया इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह 5% आपका रेट है, यही आपको समझना है। यह 5 रुपया इस वजह से बढ़ रहा है कि यही 5 रुपया आपका रेट है, क्योंकि 100 रुपया पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, यानी जो आर का मान आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5%। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैंने आपको बताया था जब समय 2 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर भी आपको पता हो तो आपका D2 बराबर होता है PR² / 100 का² इसी में आपको सारी वैल्यू रख देना है। तो सारी वैल्यू इसमें रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका जो D2 का मान है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो यह मैंने रख दिया 5 बराबर। पी का मान आपको निकालना है तो पी रख लेते हैं। आर का मान अभी मैंने आपको निकाल कर बताया 5% आया था, तो इसको आर का स्क्वायर है तो 5 × 5 रख देते हैं, बट्टे का 100 × 100 रख देते हैं। इस 5 से या 5 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 × 100, तो P बराबर क्या आ जाएगा 20 × 100 यानी कितना आ जाएगा 2000 रुपया, यानी कि वह जो धन था 2000 रुपया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक व्यक्ति बराबर धन दो बैंकों में 4 / 1/2% तथा 5% वार्षिक दर पर जमा कराता है, यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज ₹247 मिला तो प्रत्येक बैंक में जमा किया गया धन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है प्यारे दोस्तों बराबर धन दो बैंकों में जमा करता है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि वह जो धन है, जो वह बराबर धन है, वह आपका पी है। माना कि वह मूल धन यानी कि जो बराबर धन जमा कर रहा है वह आपका पी है, यहां तक आपको क्लियर है। फिर आगे बोला गया है कि दो बैंकों में जमा करता है जिसमें पहले पर 4 / 1/2% मिलता है, यानी R1 का मान 4 / 1/2% मिलता है, और जो R2 का मान दे रखा है, जो R2 का मान दे रखा है वह आपको दे रखा है 5%। ठीक, फिर आगे बोला गया है यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज ₹247, यानी जो T का मान दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, और जो कुल ब्याज है, जो कुल ब्याज है वह आपको दे रखा है ₹247, आपको वो धन क्या है वही आपको निकालना है, यानी कि आपको पी का मान निकालना है। एक बार और इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोई धन है जो कि बराबर बराबर रुपए से दो बैंकों में जमा किया जाता है, पहले बैंक पर जो ब्याज मिल रहा है 4 / 1/2%, और दूसरे बैंक में जो पैसा जमा करता है, पैसा दोनों में सेम है, यदि 1 रुपया इस बैंक में जमा करता है तो 1 ही रुपया इसी बैंक में जमा करता है, लेकिन जो पहला बैंक ब्याज देता है 4 / 1/2% देता है, और जो दूसरा बैंक देता है 5% देता है, समय आपका 2 वर्ष है, और जो कुल ब्याज मिलता है यानी दोनों बैंकों को मिलाकर जो ब्याज मिलता है ₹247 है, तो आपको बताना है कि वह धन क्या है। तो आपको पता
सबसे पहले पहले बैंक के लिए क्या लगाएंगे, पी वन आर वन टी वन अपॉन 100। फिर दूसरे बैंक के लिए क्या लगाएंगे, पी टू आर टू टी टू अपॉन 100। यह आपको लगा देना है। अब देखिएगा कुल ब्याज जो है वो आपको दे रखा है 247 रुपया। यहाँ पर जो पी वन और पी टू क्वेश्चन में बोला गया है कि समान धन दो बैंकों में जमा किया जाता है, यदि पहले बैंक में 500 तो दूसरे बैंक में भी 500, यानी पी वन का अभिमान आपका पी होगा और पी टू का अभिमान पी होगा। तो पी रख देता हूं गुड़े आर का मान है 9/2 हो गया, गुड़े टी का मान दो रखा है 100/100। तो यहाँ पर पी वन का मान पी हो गया, आर का मान आपका 9/2 हो गया और टी का जो मान है समय भी समान है, तो टी वन का अभिमान 2 होगा और टी टू का अभिमान 2 होगा। अब देखिए पी टू का अभिमान 2 है क्योंकि जो धन है और समय है दोनों समान है, और आर टू का मान आपका है 5 है और समय इसके लिए भी 2 हो जाएगा और 100/100। बस इसी को आपको साफ कर देना है। अब देखिएगा ए आपका हो गया 247 बराबर, यहां से 2 से 2 काट दीजिए तो मिलेगा आपको 9p/100 प्लस का 5 × 10p/100। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 247 बराबर 19p/100। अब 19 से काटिए, 19 × 1 = 19, 5 × 7 = 19, 3 = 57, यानी p का मान क्या आ जाएगा, p का मान आपका आ जाएगा 13×100 यानी कि 1300। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो समान धन है दो वर्षों के लिए जमा किया जाता है वह धन आपका 1300 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है रुपया 25,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों आपका जो मूलधन P का मान दिया है 25,000, समय 3 वर्ष है और दर जो है तीनों वर्ष का अलग अलग है, पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 9% और तीसरे वर्ष के लिए 10%, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब चक्रवृद्धि जब आपका रेट यानी कि जो दर है वह भिन्न भिन्न हो तो आपके लिए जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a बराबर p ब्रैकेट के अंदर आपका होता है 1 + r1/100, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है 1 + r2/100 और तीसरे ब्रैकेट में आपका होता है 1 + r3/100। यह फार्मूला कब लगाते हैं, जब ब्याज दर भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्याज दर प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न हो, तो मैंने इसको लगा दिया। अब देखिए ए का मान आपको निकालना है, पी का मान आपको पता है 25,000 रुपया, 1 + r1 का मान है आपका 8/100, आर टू का मान है 9 यानी 1 + 9/100, आर थ्री का मान आपका 10 है यानी कि 1 + 10/100। इसी को हल कर लेना है तो यहां से आपका हो जाएगा 25,000, 100 × 100 = 108, 108/100 हो जाएगा गुणे 100 × 101, 109/100 हो जाएगा गुणे यहां पर आपका 10 → 10 = 10 कैंसिल, 10 × 10 = 11/10 आपका हो जाएगा। अब देखिएगा 1, 2, 3 → 0, 1, 2, 3 → 0 कैंसिल, ठीक। अब देखिएगा 5 से काटते हैं तो 5 × 25, 5 × 10 = 0, ठीक। अब देखिएगा फिर यहां से 5 से भी काट देते हैं तो 5 × 20 हो जाएगा, फिर 4 से काट दीजिए तो 4 × 8 = 4 × 7 = 28, यानी जो a का मान आपका क्या आ जाएगा, मिल जाएगा आपको 27 × 109 × 11। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर का तो आपको मिश्र धन आएगा, आपको क्या मिलेगा, मिश्र धन। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन, यानी कि जो आपका मिश्र धन आएगा इसमें से आप इस 25,000 को घटा दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है
धन को 2 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज 72 रुपया अधिक मिलता, वह मूलधन क्या है आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में जो टी समय का मान दिया है 2 वर्ष, बोला जा रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज आपको 72 रुपया अधिक मिलता। तो 3% ब्याज अधिक होने की वजह से आपको 72 रुपये मिलता है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। यहां पर बोला गया है 72 रुपया अधिक मिलता। 72 रुपया अधिक क्यों मिलता है? क्योंकि आर का मान 3% अधिक होता। तो यहां पर साधारण ब्याज 72 रुपया अधिक मिल रहा है, मूलधन आपको पता नहीं है, दर कितना परसेंट अधिक होने पर 72 मिल रहा है, 3% अधिक होने पर, समय आपको 2 वर्ष दिया है, बटे का 100 कर दीजिए। तो यहां से देखिएगा आपका हो जाएगा 72 गुणे का 100 बराबर आपका हो जाएगा पी गुणे का 6। 6 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यानी पी का मान कितना आ जाएगा 12 गुणे का 100, यानी पी का मान आपका आ जाएगा 1200। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लीजिए कितना अधिक मिलता है, 72 रुपया अधिक मिलता है, कितना दर बढ़ाने पर 3%, तो सारी वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार से है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो तो समय होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो मूलधन है, वो आपका है पी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यानी कि जो इसका साधारण ब्याज है वह मूलधन का 2/9 है। तो मूलधन पी है, इसका भी 2/9, यानी कि क्या हो जाएगा 2/9 पी, ये साधारण ब्याज है। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी है, यानी कि यह लाइन आपको ध्यान में रखना है, जो वर्षों की संख्या है वह दर प्रतिशत की दोगुनी है, तो मैं मान लेता हूं कि जो दर है वह आपका है x, तो समय क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वर्षों की संख्या है वह दर प्रतिशत की दोगुनी है, तो मैंने दर मान लिया x, तो समय क्या हो जाएगा 2x। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समय होगा, यानी आपको इस टी का मान निकालना है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब देखिए साधारण ब्याज आपका है कितना 2/9 पी बराबर, ये आपका प्रिंसिपल आपने पी ही माना है तो पी रहेगा, आर का मान है एक्स और टी का मान है आपका 2x बट्टे का 100, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो पी से पी कैंसिल, इस दो से यह दो कैंसिल, तो यहां से आपको मिलेगा 1/9 बराबर x² 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 100। तो यहां से आपको मिलेगा x² बराबर क्या मिल जाएगा, x² बराबर मिल जाएगा 100/9। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं 10/3, बस। तो x की वैल्यू आपका कितना आ गया 10/3। अब आपसे पूछा जा रहा है समय का मान, तो यहां x की वैल्यू 10/3 रख दीजिए, समय का मान निकल जाएगा 2 है आपका, x का मान 10/3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 20/3 वर्ष। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए तो 6/2/3 वर्ष आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो समय होगा वह आपका 2/6/2/3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 तथा 7 वर्ष में 1092 हो जाता है, तो ब्याज
ब्याज की दर है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन पे साधारण ब्याज पर बात की गई है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 924 और 7 वर्ष में 1092 हो जाता है, तो दर क्या है यह आपको ज्ञात करना है। तो एक बात समझिएगा, यहां पर 4 वर्ष में 924 और यहां पर 7 वर्ष में 1092, तो 3 वर्ष का ब्याज आप निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आपको जो 7 वर्ष में जो धन हो रहा है उसमें से आपको 4 वर्ष वाले धन को आप घटाएंगे, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपका 7 वर्ष का है 1092 माइनस का 924 कर दीजिए, तो यहां से 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, फिर यहां पर आपका बचेगा आठ, 8 में से 2 जाएगा 6, फिर 10 में से 9 जाएगा 1। यानी कि जो 3 वर्ष का ब्याज है, या यह कह सकते हैं जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, 168 रुपया। मैंने आपको अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है वो आपका है 168। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 168 में आपको 3 से डिवाइड कर देना है तो आपको पता चल जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 × 15, 3 × 18, यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो आपका है 56 रुपया, वो आपका है 56 रुपया। अब यहां पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज सहित 924 रुपया है, जबकि 1 वर्ष का है 56 रुपया। तो मैं क्या करता हूं, 4 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें से घटा दूंगा तो हमको पता चल जाएगा कि मूलधन क्या है। तो देख कर लेते हैं, तो यहां पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 56 रुपया, 4 वर्ष के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 22, यानी कि जो 4 वर्ष का साधारण ब्याज है 224 रुपया, यानी कि जो आपका 924 रुपया है इसमें 224 रुपया साधारण ब्याज है। तो यहां से आपका आ जाएगा मूलधन, तो मूलधन क्या हो जाएगा, यह आपका है मिश्र धन सहित 924 रुपया। तो यह 924 रुपया में से 224 रुपया साधारण ब्याज है, घटा दीजिए तो कितना आएगा, आपका आएगा 700, यानी कि जो आपका मूलधन है वो आपका 700 रुपया है। अब आपको दर निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। यहां पर जो 4 वर्ष का साधारण ब्याज है वो आपका है 224 रुपया, पी का मान आपका है 700 × r, और समय का मान कितना है, समय का मान आपका है 4 वर्ष और बटे का आप कर दीजिए 100। बस 00 से 00 कैंसिल, 7 से काटेंगे तो 7 × 3 = 21, फिर 7 × 2 = 14, फिर 4 से काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 4/32, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आपका आ जाएगा 8%, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में ₹575 तथा 5 वर्षों में ₹625 हो जाता है तो ब्याज की दर है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 21 को ही सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर 3 वर्ष का जो धन है 575 और 5 वर्ष का जो धन है 625। तो यहां पर 575 से 625 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर 2 वर्ष का ब्याज ज्यादा है। तो यहां पर आप निकाल लीजिए 2 वर्ष का ब्याज कितना ज्यादा है, 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 625 में से 575 घटा दीजिए, 625 माइनस का 575 यानी कि 50 रुपये, यानी कि जो 2 वर्ष का ब्याज है वो आपका है 50 रुपया। मैंने आपको बताया कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपया। सिंपल
सिंपल सी बात है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 50 रुपया है तो 1 वर्ष का 25 रुपया होगा। अब आपको यहां पर 3 वर्ष की बात की गई है तो यहां पर आप देख लीजिए कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का 25 रुपया, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 75 रुपया, यानी कि जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 75 रुपया। तो अब आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, देखिए 575 रुपया आपका टोटल धन है जिसमें से 75 रुपया आपका ब्याज है, तो आपका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन आपका होता है मिश्र धन माइनस का ब्याज, तो मिश्र धन आपका है 575 रुपया माइनस का ब्याज आपका है 75 रुपया, यानी कि जो मूलधन आपका है 500। यहां तक आपको क्लियर है, मूलधन आपने निकाल लिया 500 रुपया। अब आपको दर निकालना है, तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100 होता है, तो जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज था वो आपका था 75 रुपया बराबर P का मान आपका है 500, R का मान आपको पता नहीं है, T का मान 3 वर्ष का ही 575 है ना, तो T का मान आपको 3 लेना है बटे का 100, बस 00 से 00 कैंसिल। अब देखिएगा 75 बराबर आपका हो जाएगा 15 R, 15 से काट दीजिए तो 5 बार में, यानी R का जो मान आएगा वो आपका 5% आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 तथा 3 वर्ष में ₹10,648 हो जाता है, यदि ब्याज दर प्रतिवार्षिक हो तो वह धन तथा ब्याज दर क्रमशः होगी। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर 21 भी 2005 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो आपको मूलधन बताना है और दूसरा आपको ब्याज की दर बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, तो सबसे पहले आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर आपका होता है P(1+R/100) होता है पर पावर टी। अब देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन आपको 9,680 दिया है, तो आपको A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर लिख सकते हैं P(1+) का R1/100^T1। अब 2 वर्ष का जो कंडीशन है वो रख दीजिए, तो A1 का मान आपका है 9,680 बराबर P, तो P रखते हैं यहां पर 1+ का R1 और R2। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया ब्याज दर प्रतिवार्षिक हो तो धन तथा ब्याज दर होगा, यानी कि जो दर है दोनों जगह आपको सेम लेना है, तो यहाँ पर मैं आर ही कर देता हूं, तो यहाँ पर R/100/P समय आपका है 2, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर ए। अब देखिएगा अब 3 वर्ष का भी ऐसे ही अप्लाई कर दीजिए, तो 3 वर्ष का मिश्र धन है वो आपका है 10,948 बराबर आपका हो जाएगा P(1+R/100) और समय का मान आपका है 3, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आपने तैयार कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2/1, यानी कि समीकरण 2 में हमको 1 से डिवाइड करना है। तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है 10,948 10,648, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा 10,648 10,648 ठीक है, तो 10,648 आपका यहां पर हो जाएगा बराबर 1+R/100^3, तो यहां पर 1+R/100^3 हो गया। ये तो समीकरण 2 है, इसमें आपको डिवाइड कर देना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है 9,680 बराबर P(1+R/100)
पावर 2। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, पी से पी कैंसिल। अब देखिएगा यहां पर आपका है 10,648 बटे का 9,680। अब देखिएगा यहां पर दोनों के बेस समान है तो क्या होती है, जब दोनों के आधार समान होते हैं तो घाते क्या होती है, घट जाती है। यहां पर भी 1+r/100 है, यहां पर भी 1+r/100 है, तो घाते क्या होगी, जब आधार सेम हो और भाग के रूप में हो तो घाते घटती हैं, तो क्या हो जाएगा 1+r/100 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए काटिए यहां से, 2 से सबसे पहले मैं काटता हूं तो 2 5 10, फिर 2 3 6, फिर आपका 2 2 4, फिर 2 4 8, फिर 2 से काटिए तो 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8 0, फिर आपका 2 से काट लीजिए तो 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से काटिए तो 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4 0, फिर 2 से काट लीजिए तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 1, यहां से 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 2 4 1 0, तो यहां से आपका मिल जाएगा 1331 बटे का 1210 बराबर 1+r/100, क्योंकि पावर एक है उसका कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा, अब देखिए क्या यह 11 से कटेगा, तो 11 से काटेंगे तो 11 1 11 बचे 2 3, 11 2 22, 1 1 11 11 121 होता है और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 11 से काटिए, 11 1 121, 11 2 110, यानी कि 11/10 आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इधर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिएगा आपको मिला यहाँ से 11/10 मिला आपको 11/10 बराबर 1+r/100। अब देखिएगा यहां से r/100 का मान क्या आ जाएगा, 11/10 है, यह जो प्लस है माइनस में इधर चला आएगा, यानी माइनस करें, यानी r/100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आपका आ जाएगा 10%। r का मान आपने निकाल लिया 10%। अब देखिएगा क्या जो 10% है एक से ज्यादा ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं कि जो 10% है दो ऑप्शन में है, यानी आपको मूलधन भी निकालना पड़ेगा, तो r का मान आपका आ गया 10%। अब आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन भी निकाल लेते हैं, तो देखिएगा r का मान 10%, मैं समीकरण 1 में रख करके मूलधन निकालता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, तो यहां से सॉल्व करते हैं, तो आगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको r का मान 10% लेना है, तो r का मान 10% समीकरण 1 में रखते हैं तो 9680 बराबर p 1+r का मान 10/100 और पावर का 2। अब देखिएगा 9648 9680 है यहां पर, इसको सही कर लीजिएगा, 9680 बराबर P, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 1 10 1, 11/10 का स्क्वायर, तो यहां से 9680 बराबर P हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर करेंगे तो 121/100 मिल जाएगा। अब देखिएगा 11 से काटते हैं तो 11 11 121, 11/88, फिर 8 8 11/88, फिर 0, फिर 11 से काट दीजिए तो 11/88 यानी 80, तो यहां से P का मान क्या मिल जाएगा, P का मान मिल जाएगा 80 × 100, यानी P का मान आपको कितना आ जाएगा, 8000 रुपया। तो P का मान आपने निकाल लिया 8000 रुपया, और जो दर है वो आपका 10% है। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, ए ने बी को रुपया 2007% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, 6 वर्ष के पश्चात बी ने रुपया 2500 तथा एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया, घड़ी का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, कोई व्यक्ति ए है जो 2000 रुपया 7% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए देता है, तो क्या करता है बी,
₹2500 देता है और एक घड़ी दे देती है और उसका जितना भी ऋण है वो आपको चुका देता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि जो ए ने ₹2000 दिया उसका साधारण ब्याज सहित बी 6 वर्षों बाद कितना रुपया ए को चुकाएगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज 6 वर्ष का निकालिए। तो साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना है आपका ₹2000 गुणे आर का मान आपका है 7 और टी का मान आपका है 6 बटे का 100। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, तो साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा 20 गुणे 7 गुणे 6, तो 20 गुणे 7 गुणे का 6। तो यहाँ से साधारण ब्याज बराबर 20 गुणे 7 करेंगे तो मिलेगा आपको 140 गुणे का 6। तो अब गुणा कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, 6 चौक 24 को 4 हो जाएगा, 6 कम 6 2 8, यानी कि 6 साल बाद बी को ₹2000 के अलावा ₹840 ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी को बी को कितना देना पड़ेगा, बी द्वारा 6 वर्ष बाद, बी द्वारा 6 वर्ष बाद दी गई राशि। तो ₹2000 तो वो उसका मूलधन देगा और इस 2000 पे जो साधारण ब्याज लग रहा है ₹840 यह भी देगा। यानी कि बी द्वारा ए को ₹2840 दी जानी चाहिए। लेकिन बी क्या कहता है कि मैं ₹2500 और एक घड़ी देता हूं, आपका जो जितना भी यह धन है ₹2840 टोटल का फाइनल हो जाएगा। तो देखिएगा ₹2500 इसमें से इन्होंने रुपया दे दिया तो कितना बचेगा, 0 4 में 0 जा 4, 8 में से 5 जा 3, यानी कि ₹2500 तो यह धन दे देता है यानी कैश दे देता है और एक घड़ी दे देता है। तो ₹340 की घड़ी होगी। जब आपको ₹2840 चुकता करना है जिसमें से ₹2500 और एक घड़ी देते हैं, तो 2840 में से मैंने 2500 घटाया तो हमको पता चला कि जो वो घड़ी दिया है वो आपका ₹340 का है। वही आपको ज्ञात करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। उसने 2 वर्ष बाद ₹6900 देकर ऋण अदा किया। उसने ऋण लिया था यानी कि जो किसान है एक पंपिंग सेट लेता है 9% साधारण ब्याज पर और 2 वर्ष के लिए लेता है। लेकिन जो लास्ट में 2 वर्ष बाद हुआ तो उस पंपिंग सेट का धन चुकाता है वो ₹6900। तो आपसे पूछा था कि वह पंपिंग सेट शुरुआत में यानी कि वह कितने का पंपिंग सेट था, यह आपको याद करना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन धन का साधारण ब्याज। तो मिश्र धन आपको दे रखा है ₹6900 बराबर मूलधन आपका क्या होता है, मूलधन आपका होता है पी, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT अपान का 100 होता है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 5900। अब देखिएगा यहाँ पर भी पी यहाँ पर भी तो पी मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मिलेगा आपको 1 प्लस RT अपान का 100। अब इसी को हल करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 5900 P हो जाएगा 1 प्लस का, R का मान आपको पता है 9, T का मान आपको पता है 2 और बटे का 100। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपका है 5900 बराबर पी। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं एक बार, तो 1 प्लस का 18 बटे का 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5900 बराबर पी, यहाँ से 100 एकम 100 और 18 जोड़ेंगे तो 118 बटे का 100। अब 2 से काटिए तो आपका हो जाएगा 2 5 10, फिर 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे तो 50 भागे। अब देखिएगा आपको मिलेगा 5900 बराबर P गुणे 59 अपान का 50,
59 डबल जीरो, तो यहां से पी बराबर क्या मिल जाएगा, 50 गुणे का 100, तो पी का मान क्या आ जाएगा, पी का मान आपका आ जाएगा 5000 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पंपिंग सेट का जो रेट था वो 5000 रुपया, जिसको 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उसको 5900 रुपया देना पड़ेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपका है, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की, यदि 3 वर्ष बाद बैंक में इसका 1770 जमा हो गया तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रतिवर्ष कितने रुपए जमा किए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, आपको ज्ञात करना है कि उस व्यक्ति ने प्रतिवर्ष कितना रुपया जमा किए। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना कि व्यक्ति ने प्रतिवर्ष ₹100 जमा किए, ₹100 जमा किए। मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति ने प्रतिवर्ष ₹100 जमा किए, तो यक्ष का सबसे पहले आपको 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेना है, फिर यक्ष का 2 वर्ष का, फिर यक्ष का 1 वर्ष का, फिर लास्ट में दिया है कि जो टोटल धन 3 वर्ष बाद इकट्ठा उसका होता है वो आपका 1770 होता है। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे यक्ष का 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन आपका क्या होता है, मूल धन प्लस का साधारण ब्याज। तो मूल धन आपने माना है यक्ष, यक्ष का आपको 3 वर्ष का मिश्र धन निकालना है, तो मूल धन साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूल धन तो आपका यक्ष है, गुणे दर आपका 9 है, और समय आपको 3 वर्ष लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं, बटे का आपका हो जाएगा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9, देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा x प्लस का 27, x बटे का 100, तो यहां से 100x और 27x यानी 128x बटे का 100, यानी कि जो 3 वर्ष का मिश्र धन आया 128 बटे का 100। अब x का ही आप 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए, तो 2 वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूल धन धन साधारण ब्याज, मूल धन आपका एक ही रहेगा, धन साधारण ब्याज यानी मूल धन गुणे दर तो 9 ही रहेगा। समय क्या लेना है, यहां पर 2 वर्ष की बात की जा रही है, तो समय का मान 2 लेना है, बटे का 100 कर देना है, तो यहां से आपका यक्ष धन का 18x बटे का 100, तो 100x और 18x कितना हो जाएगा, 118x बट्टे का यहाँ पर 100। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 100x और 27x केवल और केवल 127x होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 100x, 100x और 27x यानी 127x बट्टे का 100। अब यहाँ पर 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, अब 1 वर्ष का भी निकाल लीजिए, तो यक्ष का 1 वर्ष का मिश्र धन, तो आपका मूलधन तो यक्ष ही रहेगा, तो मूलधन गुणे दर का मान 9 और समय का मान 1 बटे का 100, तो यहां से आपका हो जाएगा यक्ष धन का 9x बटे का 100, यानी कि आपका हो जाएगा 109x बटे का 100। तो इस तरीके से मैंने 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल लिया 127x बटे का 100, 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लिया 118x बटे का 100, और 1 वर्ष का निकाल लिया 109x बटा 100। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका दर का मान समान है सब जगह, और समय यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर 3 वर्ष है तो 3 लिया, 2 वर्ष है तो 2 लिया, 1 वर्ष है तो 1 लिया। अब जो टोटल धन इकट्ठा हो रहा है 1770 रुपया है, यानी कि इन 3 वर्षों का जो मिश्र धन है इसका योग 1770 रुपया के बराबर आपका आना चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आप देखिएगा ध्यान से, यहां से आपका क्या हो जाएगा, 127x बटे का 100, ये आपका 3 वर्ष का है, फिर 2 वर्ष का है 118x बटे का 100, फिर 1 वर्ष का है 109x बटे का 100, इनका जो योग आ रहा है 1770 रुपया। तो 127 और 118 और 109 जोड़िए, तो यहां से 127
118 और 109, तो यहाँ पर 8 7 15 5 20 4 24 को 4, 8 7 15 5 20 4 24 को 4 हासिल बचे 2, 2 2 4 8 5 हो गया, फिर 1 1 2 1 3, यानी कि 354 x, 354 x बटे का 100 बराबर आपका हो जाएगा 1770। अब देखिएगा यहां से आपका x का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1770 गुणे का 100 और ये आपका 354 बटे में आ जाएगा। अब देखिएगा 177 बटे 354 है, सबसे पहले 2 से काटते हैं तो 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, फिर 2 7 14, 2 7 16, 177 से 177 को काटेंगे तो एक बार में और 0 बचेगा, तो यक्ष का मान क्या आ जाएगा, यक्ष का मान आपका आ जाएगा 10 गुणे का 50, यानी कि कितना आ जाएगा 500, यानी यक्ष का जो मान आपका आ गया 500। यही आपको ज्ञात भी करना था, पूछा है कि उसने प्रतिवर्ष कितने रुपए जमा किया, यानी कि उसने जो प्रतिवर्ष है 500 रुपए जमा किया, क्योंकि मैंने माना ही है कि मान लिया है कि व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 100 रुपए जमा किया, जो कि यक्ष का मान 500 है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यदि आप जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और जो जो वैल्यू दी गई है उस अनुसार आप चलते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैं संडे को डाउट सेशन की क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 12 साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से कंप्लीट होता है। टोटल के 28 क्वेश्चन दिए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़कर टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, या तो अभी तक आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 के बीच किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको संडे को स्पेशल डाउट सेशन की क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। अब देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल कोटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।